नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। पिछले दिनों आई वेब सीरीज पाताल लोक को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। पहले नेपाली और गोरखा समुदाय ने एक सीन को लेकर आपत्ति जताई, उसे हटाने और माफी की मांग की। अब उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस से शिकायत की है। उनका आरोप है कि पाताल लोक में उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। विधायक का आरोप है कि पाताल लोक में एक अपराधी कैरेक्टर के साथ उनकी फोटो लगाई गई है, उनकी अनुमति के बिना फोटो का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अनुष्का शर्मा पर मुकदमा दर्ज करने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। अनुष्का शर्मा पाताल लोक की प्रोड्यूसर है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद की कोतवाली थाना लोनी में शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि पाताल लोक वेब सीरीज में बालकृष्ण वाजपेयी नाम के अपराधी नेता के साथ उन्हें और दूसरे बीजेपी नेताओं को दिखाया गया है, उनकी अनुमति के बिना उनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया है। विधायक का आरोप है कि पाताल लोक वेब सीरीज सनातन धर्म की जातियों के ताने बाने को तहस नहस करने वाली है। इसमें उनकी फोटो का इस्तेमाल करना राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोह है। आखिर किस सीन को लेकर विवाद हो रहा है? पाताल लोक वेब सीरीज में एक सीन है, इसमें एक महिला पत्रकार वाजपेयी नाम के कैरेक्टर की हिस्ट्री चेक कर रही होती है। इसी दौरान उसके सामने एक फोटो आती है। यह फोटो वाजपेयी के एक हाईवे के उद्घाटन की है। फोटो में उनके पीछे कई लोग खड़े होते हैं। इसमें विधायक नंद किशोर गुर्जर और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी दिखाई देते हैं। असल में ये फोटो 30 मार्च 2018 की है। इस दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 6 लेन के एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। यह फोटो खुद सीएम ने भी ट्वीट की थी। मुख्यमंत्री फीता काट रहे हैं और उनके पीछे खड़े बीजेपी के कई नेता साथ में है। इसमें गाजियाबाद सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल और विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। वेब सीरीज में योगी आदित्यनाथ, वीके सिंह के साथ ही 2-3 चेहरे बदल दिए गए, लेकिन राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल और विधायक नंद किशोर गुर्जर की फोटो नहीं बदली गई है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दी ललन टॉप से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस से मुकदमा दर्ज करने को कहा है। वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी इस बारे में शिकायत करेंगे। उनका कहना है, पाताल लोक वेब सीरीज में हिंदू धर्म और सीबीआई की गलत छवि पेश की गई है। मॉब लिंचिंग की घटना को 1990 राम जन्मभूमि के कार्य सेवकों से जोड़कर दिखाया गया है। सीरीज में बीजेपी की छवि भी खराब करने की कोशिश की गई है। सीबीआई को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। अभी वेब सीरीज सेंसर नहीं होती है, इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नियम बनाए। वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड में दिखाने के बाद ही रिलीज की अनुमति मिले। विधायक की मांग है कि पाताल लोक पर बैन लगाया जाए। साथ ही उन्होंने अनुष्का शर्मा से माफी की मांग की है। विधायक के आरोपों पर अनुष्का शर्मा या उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।